हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार न्यूज़। मेरा नाम है ऋषभ और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि आजकल सबसे हॉट सेलिंग जो सेगमेंट है वो है एक SUV सेगमेंट का। ऑलरेडी जो सब 4 मीटर सेगमेंट है वो फिल हो चुका है, बहुत सारी गाड़ियां हैं उसके बीच में। अब बारी है 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs में। 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs में कौन सी आती है? हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस। सेल्टोस इसमें लेटेस्ट एंट्री है, लेकिन और भी आने वाले दिनों में इसी सेगमेंट में गाड़ियां ऐड होने वाली हैं, जैसे कि होंडा HR-V और टाटा ब्लैकबर्ड भी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में। इसकी फर्स्ट स्पाइड इमेज सामने आ गई। इसके इंजन के बारे में बताऊंगा आपको, इसके फीचर्स और इसके डिज़ाइन, इसके जो साइज़ आने वाला है, साथ के साथ इसके लॉन्च डेट और इसके प्राइसिंग के बारे में भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप एक नई SUV लेने का सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी सेल करना चाहते हो तो CAST24 एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जहां पर आपको बेस्ट वैल्यू मिलती है। एक ही विजिट में आप गाड़ी सेल कर सकते हैं, साथ के साथ आपको इंस्टेंट पेमेंट्स भी मिलती हैं और फ्री आंसर RC ट्रांसफ़र भी। फ्री अपॉइंटमेंट्स है, फ्री इंस्पेक्शन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अब शुरू करते हैं टाटा ब्लैकबर्ड के टॉपिक के साथ। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी जो स्पाइड इमेजेस है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले जो नोटिसेबल चेंज इसमें आप फोटोज़ में देख पाए होंगे वो है इसकी LED DRLs और इसके हेड लैम्प्स। आपको बता दूं कि इसमें भी आपको टाटा हैरियर की तरह ही LED DRLs ऊपर और हेडलाइट्स आपको नीचे मिलने वाले हैं, लो सेट हेडलैम्प्स। साइज़ की अगर मैं आपसे बात करूं कि क्योंकि अब ये हैरियर से छोटी होने वाली है, क्रेटा और सेल्टोस का तरह इसका मुकाबला होने वाला है, तो ये नेक्सॉन से थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कि 4.2 मीटर के आसपास इसकी जो टोटल लेंथ है वो होने वाली है। हाइट के मामले में ये बिल्कुल क्रेटा और सेल्टोस जैसी ही होने वाली है। सेल्टोस वाली साइड भी ज़्यादा होगी बिकॉज थोड़ी हाइट इसकी कम लग रही है, लेकिन इसका स्टैंस और इसकी जो विड्थ है वो इस गाड़ी की काफ़ी लग रही है। काफ़ी बोल्ड लुक आएगी गाड़ी की जब भी एक्चुअल जो लुक है हमारे सामने आएगी, लेकिन वो कब आएगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ पहले तो आपको बता दूँ कि इसमें बेसिक फीचर्स तो सारे ही होने वाले हैं, हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारपे, बड़ी 10 इंच की HD टच स्क्रीन डिस्प्ले होगी इसमें। साथ के साथ इसमें कुछ कनेक्टेड फीचर्स भी दिए जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज़ हैरियर में मिसिंग थी वो आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी, यानी कि एक पेट्रोल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस भी, डीजल और पेट्रोल दोनों में ही। इंटरेस्टिंगली अब क्योंकि ये लॉन्च होने वाली है आने वाले समय में, BS6 नॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, तो ये दोनों इंजन BS6 नॉर्म्स के ऊपर होंगे और पेट्रोल इंजन होगा 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अराउंड 120 से 130 HP की पावर के साथ, और डीजल इंजन भी इसका होगा 1.5 लीटर का BS6 इंजन। तो ये एक कमाल की बात है। फीचर्स मैंने आपको बता दिए, डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया, इंटीरियर भी इसका काफ़ी प्रीमियम दिखाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने वाली है टाटा कंपनी। और क्योंकि ये गाड़ी ऑब्वियसली इंडिया में ही बनाई जाएगी, सारे पार्ट्स इसके इंडिया से ही लिए जाएंगे, तो इस गाड़ी की प्राइस ज़्यादा नहीं होने वाली है। लॉन्च डेट इसकी होगी ऑटो एक्सपो 2020, जहां पर इस गाड़ी को दिखा दिया जाएगा और उसी वक्त उसकी प्राइस भी अनाउंस कर दी जाएगी, और साथ के साथ मार्च में इसकी डिलीवरीज भी शुरू हो जाएंगी। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी नई गाड़ियां आने वाली हैं, यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर देम। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग को मद्देनजर रखते हुए, फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए प्राइसिंग इसकी आने वाली है 9 लाख से लेके 15 लाख मैक्सिमम एक्स शोरूम प्राइसिंग है ये। हो सकता है कि इससे प्राइजेस कम भी हो सकता है कि 8 लाख से ही शुरू हो जाए, बट मुझे बहुत कम चांसेस है कि 8 लाख से शुरू हो। 8.5-9 लाख के आसपास की इसकी स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है और 14.5 और 15 लाख इसका टॉप वेरिएंट आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक डीजल में। तो ये एक कमाल की बात है, काफ़ी अच्छी गाड़ी आने वाली है। तो अगर आप एक नई गाड़ी लेने का वेट कर सकते हैं, अभी अर्जेंसी नहीं है, तो आपको डेफिनेटली टाटा ब्लैकबर्ड और इनफैक्ट होंडा HR-V के लिए भी वेट करना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में। आपको बता दूं कि जितनी भी उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपको कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर कर ले, और हां, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। मैं और मेरी टीम आपके लिए काफ़ी मेहनत करती है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।